आपने अगर वो कहानी सुनी है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो पेड़ की जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काटने की कोशिश कर रहा है, तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक दैट, कि आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, इसका मतलब कि आप जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को हिट कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हुआ क्या हम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदे ही नहीं? और कैसे उस डाल को हिट कर रहे हैं, कैसे हम उसी डाल पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं जिस डाल पे हम बैठे हुए, इस बात को भी हम यहां पर समझने की कोशिश करें। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आपने देखे हैं पीछे के दो एपिसोड्स जहां पर हम बात करने वाले हैं भारत देश की सबसे बड़ी सीरीज के बारे में, जो ऑप्शन चेन और इंट्राडे से रिलेटेड सबसे बड़ी सीरीज है। अब थ्योरीज की बात करते हैं। अगर भारत देश में थ्योरीज की बात करें तो जनरली यहां पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं, लोग रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब कि हमने विदेशों से रिसर्च को अडॉप्ट किया है और इस रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए चले आए हैं। लेकिन हमारी जो थ्योरी है एलटीपी कैलकुलेटर की, वो अपने आप में एकदम देसी है। तो इस देसी थ्योरी के लिए इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, क्योंकि इससे बड़ी नॉलेज वाली सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल सकती है। तो चलिए आज की बात की शुरुआत करते हैं। लास्ट चैप्टर में यानी लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि इमेजिनरी लाइन कैसे अपनी मूवमेंट्स करती हैं। इमेजिनरी लाइन कि जिन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में होती है उनको हम लोग पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस एट इमेजिनरी लाइन कहते हैं। अब यहां से बात की शुरुआत करते हैं कि बेसिकली बाजार को हम लोग देखते किस नजरिए से है, कैसे इस बाजार में हमको इस इतने बड़े ऑप्शन चेन को, एलटीपी कैलकुलेटर वाले ऑप्शन चेन को देख करके बाजार का पता लगेगा। एलटीपी कैलकुलेटर अपने आप में गूगल पर टॉप ट्रेंडिंग टूल है, ये बात तो आपको पता ही है। अब देखिए हमको अब कहां पर दिखाई दे रही है, अब हमको यहां पर हमारी इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है जो अभी फिलहाल यहां पर 19,250 और 19,300 के बीच में है। यहां पर जो हमारा मार्केट प्राइस है वो 19,265 है। चूंकि मार्केट प्राइस 19,265 है इसलिए इमेजिनरी लाइन 250 और 300 के बीच में है। हमने पिछले वीडियो में सीखा कि अगर बाजार ऊपर जाएगा तो इमेजिनरी लाइन टूवर्ड्स टॉप ट्रेवल करेगी, यानी कि इस तरफ, और बाजार नीचे गिरेगा तो इमेजिनरी लाइन टूवर्ड्स बॉटम ट्रेवल करेगी, यानी कि इस तरफ ट्रेवल करेगी। अब होगा क्या, क्यों इसको ट्रेवल करवाना है? बेसिकली ये जो बाजार होता है ना, ये पूरा का पूरा जो मार्केट होता है, ये एक स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल का मतलब लड़ाई होती है। किस चीज की लड़ाई होती है? दो तरफ की स्ट्राइक प्राइसेस की, अपनी स्ट्राइक प्राइसेस के दो तरफ के सेगमेंट्स की लड़ाई होती है। अगर आप किसी भी ऑप्शन चेन को देखेंगे तो हर ऑप्शन चेन में आपको बीच में स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई देती है। पूरा जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्राइक प्राइस का सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां पर इसके लेफ्ट हैंड साइड पर, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ये कॉल साइड का डेटा है। यहां पर देखिए तो कॉल्स लिखा हुआ आपको दिखाई दे देगा, और आपके राइट हैंड साइड पर ये पुट साइड का डेटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल साइड का डेटा और राइट हैंड साइड पर पुट साइड का डेटा। अब जो लोग कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो जनरली आपको पता होगा कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है। अगर बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, बुलिश हो रहा है, तो हम लोग कॉल ऑप्शन खरीद के उसमें पैसा बनाते हैं, और अगर बाजार बेरिश हो रहा है तो हम लोग पुट ऑप्शन खरीद के उसमें पैसा बनाते हैं। तो जनरली हम लोग जब कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदते हैं, जनरली जब हम लोग कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को खरीदने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये ऐसा लगता है कि बाजार हमारे फेवर में चलना चाहिए, या अगर बहुत सारे कॉल ऑप्शन के बायर्स आ जाएंगे तो बाजार ऊपर चला जाना चाहिए, और बहुत सारे पुट ऑप्शन के बायर्स आ जाएंगे तो बाजार नीचे गिर जाना चाहिए। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है, ये इसका ठीक उल्टा होता है। यानी कि अगर हम कॉल बाई कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपने अगर वो कहानी सुनी है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो पेड़ की जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काटने की कोशिश कर रहा है, तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक दैट, कि आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, इसका मतलब कि आप जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को हिट कर रहे हैं। तो आखिर तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ क्या हम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदे ही नहीं? और कैसे उस डाल को हिट कर रहे हैं, कैसे हम उसी डाल पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं जिस डाल पे हम बैठे हुए, इस बात को भी हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, बिल्कुल पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बायर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको होना पड़ेगा स्मार्ट। यानी कि जब डाल कट के गिरने वाली है, एकदम लास्ट मोमेंट है, तो हमको उछल के भागना भी आना चाहिए, कूद के भागना भी आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, इस बात को याद रखिएगा। और कूद के आप तभी भाग सकते हैं जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाएंगे। अगर जिस डाल पे आप बैठे हुए हैं उस डाल से आपको हो गई मोहब्बत, प्यार, कि नहीं भैया हमको तो इसी पे बैठे रहना और उसी को काटते रहे, तो एट द एंड आपको नुकसान होना ही होना है। डाल टूट के नीचे गिर जाएगी, आप भी गिर जाएंगे, हाथ पैर अलग टूटेगा,
और पता नहीं क्या क्या होगा, वो तो आप समझ लीजिए। चलिए तो अब यहां समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। जब भी आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, सपोज करिए कि 19,250 की स्ट्राइक प्राइस है, इसके सामने 83 रुपीस का एक प्रीमियम है, इसी को हम लोग बोलते हैं LTP। जब आप स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो सबसे पहला कॉलम LTP का है, राइट साइड में देखेंगे तो सबसे पहला कॉलम LTP का है। लेफ्ट वाली LTP कॉल की LTP है, राइट वाली LTP पुट की LTP है। तो सपोज करिए आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा 19,250 रुपीस का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, जिसका भाव चल रहा है 83 रुपीस। जैसे ही आपने यहां पर कॉल ऑप्शन खरीदा, वैसे ही आप जितने भी लॉट कॉल ऑप्शन खरीदेंगे उतने ही लॉट यहां पर क्या हो जाएगी, एक वॉल्यूम जनरेट हो जाएगी। जैसे यहां पर आपको 18 लाख की वॉल्यूम दिखाई दे रही है, 18,1509 की वॉल्यूम दिखाई दे रही है, 18,1509 की ये जो वॉल्यूम है, यानी कि इतने लॉट्स की ट्रेडिंग आज के दिन में इसमें हो चुकी है। जितने भी लॉट की ट्रेडिंग होती चली जाएगी उतने ही लॉट की वॉल्यूम ऐड होती चली जाएगी। आगे चल के जब मैं अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपको बताऊंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉल या पुट खरीदते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। लेकिन फिर अभी फिलहाल हम उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, अभी फिलहाल हम इसको यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप एक लॉट खरीदेंगे तो उस लॉट से आपकी ये वॉल्यूम जनरेट होगी, साथ ही साथ उसी लॉट पर यहां पर ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। तो कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कैसे जनरेट होता है, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के आगे चल के हमारी सारी डेफिनेशंस बनेंगी, सारी परिभाषाएं बनेंगी, सारे ट्रेड्स बनेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इन्हीं से मिलकर के बनेगा। तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट बनने के पीछे सबसे पहली जो आपको चीज समझनी पड़ेगी वो समझना पड़ेगा कि राइटर और बायर होता क्या है। जब आप राइटर्स और बायर्स को समझ जाएंगे तो आप वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को इजीली समझ जाएंगे। राइटर और बायर को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर और बायर क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, सपोज करिए आपने 19,250 का एक कॉल ऑप्शन खरीदा 83 रुपीस पर। जिस भी कॉल ऑप्शन को आप खरीदते हैं, वैसे तो इस मामले में मेरी एक और वीडियो ऑलरेडी YouTube पर पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां समझाता हूं। जो भी कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो आपको बेचने वाले दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक एग्जिस्टिंग बायर। एग्जिस्टिंग बायर का मतलब क्या हो गया, वो बायर जो पहले से पोजीशन बना के रखा हुआ है, यानी कि अगर आप ये 83 रुपीस की पोजीशन खरीद लिए तो 83 रुपीस खरीद लिए तो आप इसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो बेचेंगे, तो जब बेचेंगे तो जब आपने बेचा तो आप एग्जिस्टिंग बायर कहलाएंगे, यानी कि आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको आप बेचने चले गए इसलिए आप एग्जिस्टिंग बायर कहलाए। दूसरा राइटर, राइटर का मतलब क्या हुआ, एग्जिस्टिंग बायर भी अपनी पोजीशन सेल कर रहा है याद रखिएगा, और राइटर भी अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, सेलिंग दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन ये राइटर कहलाया वो एग्जिस्टिंग बायर कहलाया जो अपनी पोजीशन सेल कर रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग बायर अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा है, यानी कि बंद कर रहा है जो पहले से खड़ी पोजीशन, और राइटर अपनी नई पोजीशन क्रिएट कर रहा है। तो जो व्यक्ति मार्केट में नई पोजीशन यानी कि किसी भी प्रीमियम को खरीदने से पहले बेचने की कोशिश करता है वो राइटर कहलाता है, और जो व्यक्ति किसी भी पोजीशन को डायरेक्टली खरीदने की कोशिश करता है या खरीदने के बाद बेचने की कोशिश करता है वो बायर कहलाता है। तो बायर और राइटर में ये डिफरेंस है। जब राइटर अपनी पोजीशन बनाएगा तो आपको वहां पर ऑप्शन चेन में, जब भी राइटर अपनी पोजीशन बनाएगा तो आपको वहां पर ऑप्शन चेन में यहां पर ओपन इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 2,10,000 आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो इतनी पोजीशंस राइटर की बाजार में एग्जिस्टिंग खड़ी है। और जब राइटर अपनी पोजीशन बनाए या बायर बनाए या राइटर राइटर आपस में ट्रेड करें, बायर राइटर आपस में ट्रेड करें कोई भी ट्रेड होगा तो ठीक वैसे ही जैसे आप टोल पर क्रॉस करते ना, चाहे आप एक बार पास करें, दो बार पास करें, तीन बार पास करें, चार बार पास करें, 100 बार पास करें टोल को, हर बार आपका पैसा लगेगा। ठीक वैसे ही यहां पर हर बार एक वॉल्यूम जनरेट होती चली जाएगी, तो दो चीजें हो गई, दो बातें मैंने आपको समझाई, राइटर और बायर, कि राइटर क्या होता है और बायर क्या होता है। इस एपिसोड में हमारे साथ बहुत सारे ऑडियंस भी बैठे हुए हैं, तो मैं अब चाहूंगा ताकि हम सवाल जवाब कर पाए, आपके मन में जो सवाल आते होंगे शायद इनके मन में भी वही सवाल आएंगे,
तो मैं चाहूंगा कि ये सभी लोग अपने सवाल पूछें जिससे कि आपके सवाल मेरे पास आ जाए। वैसे तो आपको बहुत सारा प्यार पीछे की वीडियोस पर मिला हुआ है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो जरूर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जिससे कि हम उसको कवर कर पाए। हाउएवर, अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो एलटीपी कैलकुलेटर को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए ऐप को एंड्रॉयड पर, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब करते हैं हम लोग सवाल जवाब और अपनी ऑडियंस से पूछते हैं सवाल। तो सबसे पहला सवाल किसका है बताएं? सर जैसा कि आपने कहा कि ओपन इंटरेस्ट मतलब सिर्फ राइटर्स ही होते हैं और वॉल्यूम में ओपन इंटरेस्ट में वॉल्यूम और बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं जी, तो ऐसा भी कई बार सुना है कि राइटर्स ही मार्केट को चलाते हैं बायर्स नहीं चलाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राइटर्स ही बाजार को चलाते हैं। चलिए सपोज करिए एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल में आपने जाके और पानी की बोतल की दुकान खोल दी। रेगिस्तान मरुस्थल पानी की बोतल की दुकान चलनी तो चाहिए ना? बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उस रेगिस्तान में कोई आने भी तो होने वाला होना चाहिए ना जो उस पानी को खरीदेगा। आपने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके उस मरुस्थल में पानी का प्लांट लगा दिया लेकिन वहां पर कोई विजिटर नहीं है तो उस प्लांट का क्या काम? इसी तरीके से राइटर का बाजार में कोई काम नहीं है अगर वहां पर बायर ना हो तो। यानी कि जब तक बायर बाइंग नहीं करेगा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। ऑफर करने से मतलब नहीं है, ऑफर कितने भी लोग कर सकते हैं, जब तक वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा इसको हम एग्जीक्यूटेड ट्रेड नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ट्रेड करने के लिए हमें ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों को देखना है या फिर दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर चीज को देखना है? ये बिल्कुल सही सवाल है कि ट्रेड करने के लिए ओपन इंटरेस्ट को देखना है या फिर वॉल्यूम को देखना है या किसी एक को देखना है। तो इस सवाल के बदले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कार चलाते हैं आप? जी सर। कार चलाने के लिए क्लच को ज्यादा दबाना है या ब्रेक को ज्यादा दबाना है या एक्सेलरेटर को दबाना है या तीनों को दबाना है एक साथ? तीनों को कंपलसरी है सर। कंपलसरी एक साथ दबा देंगे तो कार चल जाएगी आगे? नहीं सर, रुक जाएगी। फिर क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें क्लच दबाना पड़ेगा, क्लच के साथ में फिर गियर लगाना पड़ेगा, गियर लगाने के बाद मतलब जिस चीज की जहां जरूरत पड़ेगी उसकी उसको हम लोग वहां उस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसे ही यहां पर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स में इसको हम लोग देखेंगे और सीखेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होता है हाँ, राइट? तो यहाँ पे राइटर सेल करेंगे तो वो इंक्रीज हो रहा है हाँ, पर डिक्रीज कब होगा किस केस? बहुत अच्छा सवाल है कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कब होता है और डिक्रीज कब होता है। राइटर्स जब बेचते हैं तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, वही राइटर्स जब वापस खरीद ले पोजीशन को तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी कि जब हमने कोई नई पोजीशन एज अ राइटर जब हमने कोई प्रीमियम बेचा तो मेरा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, जब वापस मैंने उसको खरीद लिया अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया। ऐसे चलता है ये सीक्वेंस। बट अगर वही बायर्स अगर बाई कर रहा है तो वो ओपन इंटरेस्ट में इंक्लूड नहीं होगा? बायर अगर बाई कर रहा है और उसको बेचने वाला अगर राइटर है तो वो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा, लेकिन बायर अगर बाई कर रहा है लेकिन उसको बेचने वाला एग्जिस्टिंग बायर है तो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। एक्चुअली यहां पर भी कैसा होता है इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका हम लोग समझेंगे, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे कि इसका मैकेनिज्म होता कैसे है। और इस बार एक वादा नया लेकर के आ रहा हूं, पिछले एपिसोड में मैं आपको बोल रहा था कि एवरी फ्राइडे मैं एक नया वीडियो रिलीज करूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वीडियो बैंक बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम इन वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे। तो अब ये फ्रीक्वेंसीज बढ़ गई हैं, अभी फिलहाल अब हम लोग वीक में 3 वीडियोस रिलीज करेंगे। कौन कौन से दिन पे? एक वीडियो फ्राइडे को रिलीज होगी, एक वीडियो मंडे को रिलीज होगी और एक वीडियो वेंसडे को रिलीज होगी। एवरी मंडे वेंसडे और फ्राइडे इवनिंग 7 PM पर आपके साथ एक नई वीडियो हाजिर रहेगी, और वादा है कि जल्द ही हम लोग वीक में 5 वीडियोस भी रिलीज करना शुरू कर देंगे। तो फटाफट आप देखिए समझिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड होगा एपिसोड नंबर 4।